गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन दिस पार्ट ऑफ मैकेजमेनिक रिएक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन रिएक्शन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सी देशन ऑफ द रिएशन इंटरमीडिएट्स इंटरमीन्स इन बिटवीन मीन्स ऐसी स्पीसीज जो अनस्टेबल होती हैं जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं जो रिएक्टेंट नहीं होती जो प्रोडक्ट नहीं होती जो रिएक्शन के दौरान बने जिनकी हाफ लाइफ कम होती है जो रिएक्शन के दौरान बन के कंज्यूम हो जाती है ऐसी स्पीसीज को आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं सो द शॉर्ट लिव्ड लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय होमोलिटिक और द रियक्शनिटिकोलिटिक फिशन आर कोल्ड द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एग्जाम्पल्स आर कार्बोकेटाइन कार्बे फ्री रेडिकल कार्बीस नाइट्रीन्स एराइन्स जिसे आप एनजेन भी कहते हैं सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्सो द रियक्शन इंटरमीडिएट्स लेकिन ये स्पीसी है क्या बनती कैसे है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने लाइट की प्रेजेंस में मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिया और उसके अंदर हमने फ्यूशन देखा किस टाइप का होता है अगर होमोलिटिक फ्यूशन होता है इन विच ईच ऑफ दर ऑन इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो इक्वली टूट गया हर कार्बन देखो हर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जो स्पीसी बनी वो ऐसी बनी कि कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो थ्री है कार्बन ने थ्री बॉन्ड ही बना रखे हैं और कार्बन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन है तो मीन स्पीसी कैसी हुई न्यूट्रल है कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई थ्री है क्योंकि थ्री ही बॉन्ड है इसके अंदर तो ये एक ऐसी स्पीसी है जो न्यूट्रल है ट्राई वेलेंट है क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ओड इलेक्ट्रॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन हो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्पीसी पैरामैग्नेटिक होती है ये रिएक्शन के दौरान ही बनी है तो इसलिए रिएक्टिव है, तो हो है तो इसलिए कम्पलीट डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी फ्री रेडिकल की द न्यूट्रल ट्राइवेलेंट शोर्ट लिव लो हाफ लाइफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिएक्टिव स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द होमोलिटिक फीशन आर कोल्ड दी रेडिकल इन्हें आप फ्री रेडिकल कहते हैं अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर होगी फ्री रेडिकल की ये किस टाइप की होगी जैसे आपने कार्बोकेटाइन के बारे में देखा था कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर भी कैसी थी ट्राइगोनल प्लेनर तो इसकी स्ट्रक्चर भी बोलो कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है लेकिन हम उसके साथ साथ अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बोन्ड कितने हैं थ्री बोन्ड बना रखे हैं तो सिंगल बोंड हमेशा सिग्मा बोंड ही होते हैं तो थ्री तो सिग्मा बोंड हो गए लोन पेयर कोई है नहीं

जैसे एच हो या एल्काइल ग्रुप हो तो स्ट्रक्चर आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी तो विल बी ट्राइगोनल प्लेनर लेकिन अगर कार्बन ने जो तीन बोर्ड बना रखे हैं वहां पे तीन एटम आपके एच ना होके कोई ऐसा एटम हो लाइक द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरिन तो उस वक्त जो शेप है वो पिरामिडल शेप हो जाती है तो वो शेप कैसी हो जाती है उसकी पिरामिडल शेप और जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है अगर अब हम क्लासिफिकेशन देखें फ्री रेडिकल्स की तो जैसे कार्बोक की थ्री टाइप्स थी सिमिलरली फ्री रेडिकल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स प्राइमरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल द ट्रशरी फ्री रेडिकल तो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स कौन होंगे द फ्री रेडिकल इन विच द कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन इज इधर लिंकड विद वन और नो कार्बन आइटम आर कोल्ड द प्राइमरी है तो प्राइमरी फ्रेडिकल होगा एक आर ग्रुप अटैच हो एक कार्बन अटैच हो तो भी वो प्राइमरी फ्रीरेडिकल होगा सेकेंडरी फेरेडिकल कौन होगा जैसे अभी आपने इस डेफिनेशन में देखा कि द फ्रेडिकल इज दी इन विच द कार्बन कंटेनिंग ओड इलेक्ट्रॉन इज लिंक

तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर तो तो प्राइमरी सेकेंडरी देखो तीनों की की हमने स्ट्रक्चर ड्रा हाइपर के बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप देखें जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है उसके पास कितने आर ग्रुप है एक ही आर ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होंगे क्योंकि अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसलिए अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कार्बन को जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सो मोर द नंबर वो कार्बन जिसके ऊपर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी रेडिकल एज कंपेयर टू द प्राइमरी फ्री रेडिकल और हाइपर कंजुकेशन के बेसिस पे देखे तो आप देखे जो आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल है उसके ऊपर वो कार्बन जिसके पास ओर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही सी एस थ्री है आर थ्री एल्फा देर आर थ्री अल्फा चेटम मिंस थ्री हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी अब सेकेंडरी में देखें देर आर सिक्स अल्फा मैंने अल्फा अल्फा लिखा देखो अभी देर आर सिक्स अल्फा आइटम मिंस सिक्स हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो मिंस ज़्यादा डिस्पर्सल होगा वो इलेक्ट्रॉन का थर्सीफ्रेडि� और इंडक्टिव मैंने बता ही दिया था देखो अब हम दोबारा से बताते हैं आपको सी एस टी के ऊपर हमने लिखा प्लस आई इफेक्ट देखो आपके सेकेंडरी फ्रेडिकल में देखो दो दो बार हमने लिखा प्लस आई प्लस आई ट्रशरी में इस टाइप से आपके तीन तीन प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं तो इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहें प्राइमरी सेकेंडरी ट्रशरीकल का तो हम क्या लिखेंगे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे लिखते हैं the stability order among the primary secondary or the tertiary free radical can be explained on the basis of inductive effect The okay, more the dispersal of the odd electron more will be the stability the dispersal of the odd electron takes place to a large extent in the tertiary free radical by the 3 plus i effect alkyl group then in secondary free radical and the primary free radical having only the 2 and the 1 plus i effect alkyl group so the stability order will be tertiary free radical is more stable than secondary than primary free radical हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखते दोबारा से जैसे अभी हमने बताया था मोर द नंबर ऑफ एटम आपके थ्री हैं इसी स्ट्रक्चर को हमने दोबारा ओपन फॉर्म में लिखा देखो वो कार्बन जिसके पास और इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर देखो दो एच है जो एडजेसेंट सी एस थ्री है उसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा उसके ऊपर तीन एच लगा दी हमने एच बी और एच सी अब उसके बाद देखो हमने हाफ एरो शो किया के पास एच का इलेक्ट्रॉन रह जाएगा कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके एडजिस्टेंट कार्बन के साथ देखो मल्टीपल डबल बॉन्ड बना लिया नाउ दर इज वन एच एटम विच फॉर्म नो बॉन्ड सो दाइपरकुकेशन इज कॉल्ड एज द नो बॉन्ड रेजोनेस सो दट इज द फर्स्ट हाइपर कंजुकेटेड स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट बॉन्ड किसके साथ बनेगा एच ए का एक इलेक्ट्रॉन एच बी का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके म्यूचुअल शेयरिंग करके न्यू बॉन्ड बनाएंगे और एच बी अब कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा नाउ देर इज वन एच एटम विच फॉर्म नो बॉन्ड विद कार्बन एटम सो द प्रोसेस कॉल्ड नो बॉन्ड रेजुनेस अब एच सी सिमिलरली विल कॉज द म्यूचुअल शेयरिंग विद द एच बी टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड नाउ द एच सी एटम हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म नो बॉन्ड विद द कार्बन एटम so there are the three hyperconjugated structures because there are the three alpha h atom तो क्यों क्योंकिरली अगर हम सेकंडल के स्ट्रक्चर बनाए तो उसके अंदर आपको दो दो सी एस थ्री दिख रहे हैं तो थ्री एल्फा थ्री एल्फा टोटल कितने there Will be the three six hyper conjugated structures. Similarly, in the tertiary free radical, there are the three CH3 group, so there will be the three plus three plus three nine alpha hydrogen atoms, so it will forms the nine hyper conjugated structures. So, there as there are nine alpha hydrogen atom in tertiary free radical, six alpha hydrogen atom in secondary free radical, and only the three alpha hydrogen atom in the pre temporary free radical, so the dispersal of odd electron takes place to a large extent in the tertiary free radical, then in the secondary and the primary free radical. So the stability order on the basis of the hyperconjugation will be tertiary is more stable than secondary is more stable than primary free radical. Next हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आपने पहले जो previous जो हमारा लेक्चर था कार्बोक्टाइन का उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जो प्राइमरी कार्बोक्टाइन है देर

एसपी थ्री से अटैच होना चाहिए और उस एसपी थ्री के ऊपर कम से कम एक एच हो तभी हाइपर कंजुकेशन प्रोसेस चलेगी अदरवाइज नहीं चलेगी और ये पॉसिबल है कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के अंदर हम तो इस दोनों में एसपी टू हाइबेडाइज कार्बन एटम होता है तो हम स्ट्रक्चर देखिए देखो ये हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई कार्बोकेटाइन की इसमें वो कार्बन देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है क्योंकि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसने थ्री सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो थ्री सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप कैसे देखते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस पेयर तो थ्री सिग्मा हो गए कोई है नहीं तो कार्बन एटम की केस में देखें तो वहां पे भी वो कार्बन जिसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन है उसकी भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो थ्री सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई एसपी टू कार्बोकेटाइन के अंदर जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है है वो एम्प्टी आप ध्यान से देखें लेकिन फ्री रेडिकल के, के केस में वो एम्प्टी नहीं वहां पे ब्लू कलर से हमने हाफ एरो दिखा हैं। इस है इलेक्ट्रॉन उसमें बट इन द फ्री रेडिकल इट हैज ओनली इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इसीलिए जो कार्बोकेटाइन है उसके अंदर तो एल्काइल शिफ्ट हो सकती है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है वहां पे जाके क्योंकि इससे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा so during the rearrangement in the carbocation, the two electrons of alkyl group can be shift, can form, can migrate and forms the bond with the empty p orbital of the carbon atom having the positive charge, and thus it follows the Pauli exclusion principle. देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके R जब जाएगा यहाँ पे तो बढ़िया आराम से बोर्ड बना लेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी R अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जब ओवरलैपिंग करेगा तो दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि अगला ऑर्बिटल खाली है तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे इसलिए पोली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो आपका वायलेट नहीं होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते और दो ही रहेंगे अब भी आर ग्रुप के शिफ्टिंग के बाद भी तो रियरेंजमेंट कार्बोकेट में इसलिए पॉसिबल है देखो ये रियरेंजमेंट हमने की

अगर हम यही रियरेंजमेंट करने की कोशिश करें फ्री रेडिकल में तो वो नहीं होगी देखो क्यों क्योंकि ड्यूरिंग द रियर इफ द रियजमेंट इज डन इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल्स देन द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ माइग्रेटिंग सिग्मा बॉन्ड अगर आर ग्रुप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे जाता है उस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो उस ऑर्बिटल के अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन है तो अब ओवरलैपिंग के दौरान टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन तो वो जो हमने रेड डॉट से दिखा रखे हैं आर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी तो एल्काइल शिफ्ट होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पे जाता है, है तो अवरलेपिंग होगी तो जो एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो ड्यूरिंग द अरेंजमेंट ऑफ द फ्री रेडिकल द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द माइग्रेटिंग एक ऑर्बिटल में ज्यादा ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं अगर एलकाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करेंगे तो वहां पर तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसलिए अलकाइल शिफ्ट नहीं होगी रियरेंजमेंट नहीं होगी सो so, नो no रियरेंजमेंट भी लगकर इसलिए रियरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन के अंदर तो रीज हो जाती है क्योंकि मोर फेवरेबल कंडीशन है है जबकि फ्री रेडिकल के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग के दौरान फिर थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो ओली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स

बातें आप याद रखते हैं हेल्पर की फॉर्म में एच ई -E एल पी आर पी ई -E आर नहीं आएगा एच ई एल पी आर मीन इन पांच शब्दों का मतलब क्या है कि कैसे कैसे होमोलिटिक होमोलिटिशन हो सकता है या तो स्ट्रॉन्ग हीट कर दे हम हीटिंग एट वेरी हाई हीचर कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें जैसे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखेंगे या इलेक्ट्रिक आर की हेल्प से लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकती है या कोई ना कोई आप रेडिकल इनिशियटिव डाल दें जो खुद पहले रेडिकल जनरेट इन्वॉल्वमेंट शो कर दे तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई टेम्परेचर के लिए तो डिस रिएक्शन रिएक्शन ऑफ द टेट्रामिड जो कि एक रेडिकल इनिशिएटर का भी काम करेगा देखो टेट्रामिथाइलेड लिया आपने आपने इसकी स्ट्रॉन्ग हीट की PB बन गया प्लस में मिथाइल फ्री रेडिकल्स बन गए जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स बने हैं अब ये रेडिकल इनिशिएटर का काम कर रहा है दीज मिथाइल फ्री रेडिकल दे दे विल अंडरगो द द द रिएक्शन विद रिएक्टेंट एंड फर्दर रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ द न्यू फ्री रेडिकल्स तो इसलिए रेडिकल इनिशिएटर का भी काम करेगा और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हुई है फ्री रेडिकल का जनरेशन जो हुआ है नेक्स्ट हम देखते हैं अब हाई टेम्परेचर के ऊपर ही हीटिंग ऑफ द किटोन अगर हम कीटोन को हीट कर दें देखो हमने कीटोन लिए ये अल्फा क्लीवेज हम करेंगे इसमें जो तो कार्बोनिल ग्रुप और आर या आर डैश जो लगा रखे अल्फा पोजीशन होती है तो कार्बोनिल और आर के बीच में से अगर बोन तोड़े तो अल्फा क्लीवेज होगी किसी भी एक साइड से दिखा सकते हैं हमने राइट साइड में देखो दो रेड डॉट शो की है देखो होमोलिटिक फिशन हुआ हमने हाफ एरो शो किया आर डैश अपना फ्री रेडिकल ले जाएगा और कार्बन अपना

आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम सोल्ट टू हम लिख के दिखाते हैं आपको टू मोल्स और उसके बाद जो क्लीवेज होता है कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है इसके साथ देखो हमने एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शो किए यहां से देखो क्लीवेज होगा फाइनली जब हम देखेंगे ये जो जो दो ग्रुप शेयरिंग कर लेंगे CS3, CS3, जो बनेंगे और इस से इथेन का फॉर्मेशन होगा पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ पोर्ड का क्लीवेज होता है फ्रीडिकल बनता है फिर वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और फाइनली आपका एल्केन बन जाते हैं यहाँ पे जरूरी नहीं किल रिएक्शन के दौरान एल्केन बने

पॉजिटिव एंड को रिप्रेजेंट करती है स्मॉलर लाइन नेगेटिव एंड को एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ड्रा कर दे तो सेल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल कॉल द बैटरी तो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड है राइट हैंड साइड में नेगेटिव एंड है लेफ्ट हैंड साइड में जो एंड है वो एनोड होगा वहां पे वहां पे ऑक्सीडेशन चलेगी राइट हैंड साइड में नेगेटिव एंड कैथोड है वहां पे रिडक्शन होगी अब हमने सोल्ट लिया सोडियम सोल्ट हमने शोक किया सी एस थ्री सीओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन है तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव

अब ऑक्सीजन फ्री अनस्टेबल स्पीसी है ओ के पास इलेक्ट्रॉन है तो नेबरिंग कार्बन एटम को कहेगा कि भाई आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आए क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप सीओ टू बनने वाला है तो सीओ टू लॉस हो जाएगी यहाँ से देखो ऑक्सीजन ने अपना फ्री रेडिकल लिया उधर से कार्बन कार्बन के बीच जो दो डॉट से हमने दिखा रखा है बॉन्ड उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पिंक कलर से देखो हाफ एरो से हमने शो किया तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन बिटवीन द सी एंड ओ

इसके दौरान एल्कीन भी बन सकती हैं, एल्काइन भी बन सकती हैं और आपके साइक्लो उसके अंदर ये सभी जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्केल्किन और एल्काइन के लिए आप वहां पे रीड कर सकते हैं आप उस लेक्चर को देख सकते हैं तो ये था पॉइंट नंबर थ्री के फ्री रेडिकल कहाँ पे जनरेट होते हैं और किस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए और आगे फर्दर सिंथेसिस किस चीज की हुई एल्केन की हुई यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट जब हम एल्केन की हेलोजिनेशन करते हैं तो वो भी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है तो उसमें सबसे पहली स्टेप में क्या होता है जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ब्रेक डाउन दे विल अंडर गो दोमोलिटिक फिशन टू प्रोड्यूस द हेलोजन फ्री रेडिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट देखो सीएलसीएल के बीच में जो बॉन्ड ऑफ दी सी एल एस अवेर ऑन इलेक्ट्रॉन और सीएल देखो बन गए बने, CL और ये एक बॉन्ड का क्लिवेज हुआ है और इस प्रोसेस के दौरान जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो एक्टिवेशनर्जी की इक्वल ही रहती है जो एनर्जी लेवल डायग्राम आप देखे उसके अंदर चेन प्रोगेशन स्टेप में जो ये आपके फ्री रेडिकल बना है हेलोजन फ्री रेडिकल इट विल रिएक्ट विद मोलिक्यूल टू गिव द एल्काइल फ्री रेडिकल देखो ये हमने एल्केन लिया मिथेन प्लस सी एल फ्री रेडिकल नाउ देय बीमोलिटिकॉन्ड तो एच अपना एक इलेक्ट्रॉन ले के, करेगा CL के साथ देखो सी एल के साथ एच सी एल बन जाएगा और सी एस थ्री फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा अब जो सी एस थ्री फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है इट फर्दर रियक्ट विद द सी एल फ्री रेडिकल दी एल टू तो सीएल टू के साथ करेगा ये क्योंकि अगर सीएल फ्री रेडिकल के साथ करेगा तो चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगी लेकिन पहले जब तक आपके सीएल टू अवेलेबल रहेंगे देखो देखो ये CH3 radical, CL2 के साथ देखो हुआ फिशन होगा अब्सट्रैक्ट कर लेगा सीएल फ्री रेडिकल को और कार्बन और सीएल के बीच में एक न्यू, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी देखो कार्बन और सीएल

तो हमने ऊपर लिखा था जो हेल्पर देखो लाइट की प्रेजेंस में हमने देखा नेक्स्ट हम देखते हैं होमोलिटिक फिशन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एच बी आर ऑन द अनसिमेट्रिकल एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ द परोक्साइड एंड द लाइट अगर आपके पास अनसमिट्रिकल एल्कीन हो उसमें एच बी आर को आप एड करें इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एंड द लाइट तो एंटीएमआर चलता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल चलेगा तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में होगा क्या के आपने कोई परोक्साइड लिए यहाँ पे हमने ले लिया बेंजोइल परोक्साइड देखो ओ ओरो के बीच सिंगल बॉन्ड जब होता है ओ ओ के बीच देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे इसको कहते हैं पर पर का मतलब वन ऑक्सीजन के बीच है तो ऑक्साइड परोक्साइड बॉन्ड है लेकिन साथ के साथ जो एक ग्रुप लगा हुआ है ये बेंजीन ये सी सिक्स एच फाइव बेंजिन होता है बेंजीन के ऊपर सीओ ग्रुप लगे जैसे तो बेंज ऑयल कहता है बेंजुआइल तो ये बेंजुएल ग्रुप है जो ये आर है ये बेंजोइल है देखो दोनों साइड में ये आर जो है दैट इज द आप आर लिखते हैं तो बेंजोइल है बीच में ओ ओ के बीच सिंगल बॉन्ड है सो दैट कॉल्ड द बेंजोइल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ईच ऑक्सीजन एटम कंटेन द टू लोन पेयर इसलिए ओ ओ के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है इट इज ए रिएक्टिव बॉन्ड इट कैन ब्रेक इजीली ड्यू टू दैट रिपल्शन तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्लीवेज हुआ ओ ओ के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज हुआ देखो होमोलिटिक अपना इलेक्ट्रॉन और सी सिक्स एच फाइव और कार्बन के बीच जो ब्लू डॉट से मैंने दिखा रखे इलेक्ट्रॉन वहां से आएगा और सीओ टू रिलीज हो जाएगी देखो और सी सिक्स एच फाइव फिनाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा यहाँ से रिलीज ऑफ द सीओ टू गैस तो गैस कौन सी रिलीज हो गई यहां से यहां पे गैस रिलीज हो जाएगी आपकी सीओ टू इसके बाद जो फिनाइल फ्री रेडिकल जो बना है इट रिएक्ट विद एच बी आर टू गिव बेंजीन एंड द बी आर फ्री रेडिकल विल फॉर्म तो इस स्टेप से बी आर फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो अब आपका रिएक्टेंट है जो कौन है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये उसके साथ रिएक्ट करेगा दैट इज द चेन रिएक्शन स्टेप देखो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्किन है और इसमें एनटीएमआर चलता है रूल अभी जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे डेफिनेशन एन की देखो बी आर फ्री रेडिकल आया अब वो कार्बन जहां पे मल्टीपल बॉन्ड है जहां पे पाई बॉन्ड है रेड डॉट से हमने दिखा रखे हैं होमोलिटिक फिशन होगा और इस स्टेप से होगा कि स्टेबल फ्री रेडिकल बने

तो एच बी आर के दो पार्ट होते हैं एक एच पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव 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 तो BR -negative जो पार्ट है, है वो कहाँ पे अटैच हुआ है एल्किन के अंदर जो ये येड कार्नेटम है देखो ये डब्ल्यू बॉन्डेड कार्नेटम डब्ल्यू बॉन्डेड कार्नेटम के अंदर ये वो कार्बन है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है तो उस ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर अटैच कौन हुआ है आपका बी आर बी आर नेगेटिव नेगेटिव जो पार्ट है उसी को क्वेंटीएमआर कहते हैं

प्रोडक्ट बनता है अगर आप परोक्साइड नहीं लेते लाइट नहीं लेते तो एच बी आर एड करते सिंपली एच बी आर तो आपका प्रोडक्ट मार्कोनिक अकॉर्डिंग ही बनता तो ये हमने देखा होमोलेसिस ऑफ अंसमेट्रिकलिन यूजिंग द परोक्साइड एंड द लाइट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द एचबीआर नेक्स्ट हम देखते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ द के Alkines के अंदर एलाइलिक ब्रोमिनेशन कैसे होती है तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है कि कोई एल्कीन ले दें और एल्कीन के उसके ऊपर एच बी आर ओब्लिक में एन बी एस लिखा मिल जाए या बी आर टू ओब्लिक में यूवी लाइट लिखी मिल जाए इट मींस जो रिएक्शन होगी वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी मींस डबल बॉन्ड अन रहते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अगला कार्बन होता है उसी को आप एलाइलिक पोजिशन कहते हैं तो अभी हम देखो इसका मैकेनिज्म देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमो नाइट्रोजन के ऊपर देखो ब्रोमीन लगी हुई है तो एन ब्रोमो हो गया और सक्सीन इमाइड बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिन इमाइडक्टेप के अंदर ये एच बी आर के साथ रिएक्ट करता है बी आर रेडिकल बनेगा वहां पे एन बी आर के अंदर से यहां एच बी आर का भी होमोलिटिक होमोलिट्रिकिशियन होगा तो बी आर बी आर फ्री दो बी आर फ्री रेडिकल बन जाएंगे यहाँ पे और एन से एच जाके लग जाएगा तो कोई बन गया और टू बी आर फ्री रेडिकल बन गए तो ये जो दो बी आर फ्री रेडिकल और कैसे बन सकते हैं अगर आप सिंपली बी आर टू ले लें और यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप हीट करें तो भी होमोलिटिक होकर टू बी आर फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो यही हमने ऊपर लिखा था ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्कीन यूजिंग द एच बी आर और एन बी एस

वाला CH है उसका होमोलिटिक फिशन होगा वहां से H को करेगा फ्री 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 रेडिकल रेडिकल और 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 बन बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा ये पे देखो लॉस हुआ इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस के द्वारा फर्दर स्टेबिलाईज हो सकता है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन पूरी है मीन जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली मल्टीपल बॉन्ड देखो ये कार्बन जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा वो कार्बन जिसके मल्टीपल बॉन्ड है ये दोनों से, ये से बोलो, क्या बन गया ये डबल बॉन्ड और पिछले कार्बन के ऊपर क्या रह गया देखो ओड इलेक्ट्रॉन जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है तो इस टाइप से रेजोनेस स्टेबिलाईन हो जाती है ये फ्री रेडिकल इसलिए ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी फ्री रेडिकल है इवन देन इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड द रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है अब फर्दर रिएक्शन चलेगी देखो एक बीआर फ्री रेडिकल तो यूज हो चुका है अब जो दूसरा बीआर फ्री रेडिकल है वो सी एस 2 फ्री रेडिकल के पास जाकर वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना देगा तो ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन हुई देखो डबल बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहा और एलाइलिक पोजीशन के ऊपर से एक एच हट के बीआर लग गया सो दैट कॉल्ड द एलाइलिक ब्रोमिनेशन इसलिए इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं एलाइलिक शन कहते हैं तो ये आपकी डिफरेंट रिएक्शंस थी जो आपने देखी जिसके दौरान फ्री रेडिकल बनते भी हैं और वो फर्दर रिएक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो करते हैं थैंक यू सो दैट ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल्स